तीन तलाक के तहत एक पति खुदरी पत्नी ने तलाक दियो। घटना स्थल और साक्ष्य जुटाने के लिए FSL और MOB की टीम भी मौका पर बुलाई गई। गर्म हवा का थपेड़ा लाग रहा है, मारी तरफ तलाक तलाक तलाक, एक के बाद एक तीसरी बार मंत्री के घर चोरी हुनो डाला। तो चूरू में गर्मी रो सितम जारी है, वो एक सप्ताह तक जारी रेबा की बात भी बोली है। खमागणी सा राम राम सा, स्वागत है आप रो झलको चूरू पर, मैं नंदिता आपरे साथ। केंद्र सरकार भलाई तीन तलाक ने कानूनी रूप प्रतिबंधित कर दियो है, पर आज भी तीन तलाक देने रो सिलसिलो रुकने को नाम नहीं ले दियो है। यान रोही एक मामलो चूरू सामने आयो है। तीन तलाक के तहत एक पति खुदरी पत्नी ने तलाक दियो, जी पर पत्नी कोतवाली थाना में मामलो दर्ज करवायो है। कोतवाली थाना पुलिस कोर्ट का अभियोग के आधार पर IPC की धारा और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 4 में पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मामलो दर्ज कर लियो है। खास बात आ है कि चूरू कोतवाली थाना में तीन तलाक के संबंध में और पहलो मामलो दर्ज हुयो है। कोतवाली थाना का SI रामशरण बताया कि 38 वर्षीय महिला मामलो दर्ज करवाई है कि साल 2001 में बीरो निकाह चूरू निवासी युवक के साथ हुयो। शादी के बाद हुई बीरो पति बीरे साथ मारपीट कर प्रताड़ित करतो हो। जीरो मामलो ब महिला थाना में भी दर्ज करवायो, फिर वे दोनों अलग रह रिया। तब अचानक वो 24 मार्च 2024 ने आरोपी खुदरे दो साथियों के साथ में बीरे घर गयो हो और दरवाजो खटखटायो। महिला दरवाजो खोलियो तो गेट पर ही पति खुदरी पत्नी ने बोलियो कि मैं तने तीन तलाक देऊं, मारी तरफ वो तलाक तलाक तलाक, आज मारो और थारो मियां बीवी को रिश्तों खत्म हुयो, मारी तरफ वो तू आजाद है, मैं तने तलाक दे दियो हूँ, इरा दो गवाह भी है मारे साथ। पति रा ई बर्ताव ने पत्नी मुस्लिम शरीयत के खिलाफ बहुत बड़ो गुनाह बतायो। तो पति बोलियो कि जो भी है मैं तो तने तलाक दे दियो। रुक चुरू री दूसरी खबर की तरफ करा, एक बार फिर पूर्व मंत्री के घर चोरी हुई है। एक के बाद एक तीसरी बार मंत्री के घर चोरी हुनो और हर बार चोरा को पुलिस की गिरफ्त तो बचकर निकल जानो, पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़ा कर रही है। चोर चूरू रा नयाबास स्थित पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के घर चोरी की वारदात ने बीती रात अंजाम दियो है। चोरी की घटना की सूचना मिलने पर आज सुबह कोतवाली थाना अधिकारी मुकुट बिहारी और SI रामचरण पुलिस जाब्ता के साथ मौका पर पहुंचा। घटना स्थल और साक्ष्य जुटाने के लिए FSL और MOB की टीम भी मौका पर बुलाई गई। आपने बता दियो चोर कमराऊं तिजोरी ने बाहर ले रहा, पर लोगों के जागने की वजह बेबी ने साथ नहीं ले जा पाया। घर में लग्या CCTV कैमरा की DVIR और दूसरा सामान भी घर के पास पड़िया मिला है, जिरी जांच करवाई जा रही है। पुलिस आसपास का CCTV और DVIR की जांच करवा रही है। घर में से और काई काई सामान चोरी हुयो है, इरी पूरी जानकारी और इरो पूरो खुलासो तो पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के चूरू आने पर ही सामने आ पाए, क्योंकि अभी हमीदा बेगम खुदरा बेटा तनवीर के साथ जयपुर स्थित घर में रह रिया है। अब एक नज़र चूरू रा मौसम पर डाला तो चूरू में गर्मी रो सितम जारी है, तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गयो है। दिन भर गर्म हवा का थपेड़ा लाग रहा है, जिला में येलो अलर्ट होने और हीटवेव चलने की वजह लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। आलम हो है कि लोग सूती कपड़ा उन खुद ने ढक कर या फिर छातों लेकर ही घर से बाहर निकल रहा है। आसमान उबरसती आग के कारण सड़क सुबह पहला ही तप जावे, जिरी वजह दिन भर सड़क खाली पड़ी रहे। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर का निदेशक राधेश्याम शर्मा आगामी 48 घंटा में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री बढ़त की संभावना जताई है। साथ ही जो नया हीट वेव को 2 शुक्रवार जारी हुई है वो एक सप्ताह तक जारी रहेगा की बात भी बोली है। पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर और बीकानेर में आगामी 2-3 दिन तेज सतही हवा 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उछालने की संभावना भी जताई है। शुक्रवार सुबह सूर्यदेव खुदरा तीखा तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और अब वो सिलसिलो कई दिनों तक सप्ताह भर तक भी जारी रह सके। चूरू की खबर अपनी खुदरी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए झलको चूरू ने सब्सक्राइब करो और बनाए रखो झलको पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणेश।